नमस्कार दोस्तों। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे किरण सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग एक बहुत बड़ा पार्ट इसका ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें भारत का इतिहास हो गया, विश्व का इतिहास हो चुका है आपका, भारतीय कला संस्कृति एवं यानी कि आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में भी बात कर चुके, भूगोल भी देख चुके हैं भारत का भी और विश्व का भी, उसके बाद आपका सामान्य अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उस पर भी बात कर चुके हैं, सामान्य विज्ञान भी पूरा कवर कर चुके हैं। इसमें आपका भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान हो गया, और आपका प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनस्पति विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन, उसके बाद बात की कर लिए थे पारिस्थितिकी, पर्यावरण, प्रदूषण, उसके बाद बात किए थे हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। आज बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। याद रखिए, अगर आप किरण सामान्य ज्ञान की ये बुक से इसे कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है जहाँ तक कि आपका SSC, बैंक, रेलवे जो भी है, वनडे एग्जाम, और आप काफ़ी हद तक इससे स्टेट PCS प्रीलिम्स भी निकाल सकते हैं। MBBS ही तो मैं कहता हूँ कि 100% निकाल सकते हैं। MP स्पेशल पढ़ लीजिए और इसे पढ़ लीजिए, काफ़ी है। MP स्पेशल आपका पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 19 घंटे की अगर आप 17-18 घंटे की क्लास है, सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट सूची में डली हुई है। उसके बाद हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को भी पूरा विस्तार से, यानी कि अगर उसे पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपका क्वेश्चंस कोई छूटेगा। तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें अभी आपके सभी चैप्टर डले हुए हैं। 22-23 के करीब आपके मॉक टेस्ट भी लगाए गए हैं, उतना कवर करना है आपको, छोड़ देना है बाकी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कवर कर लीजिए, आपका सामान्य ज्ञान आपका पूरा कवर हो गया है। बाकी मैथ के लिए आप अच्छी जगह देख सकते हैं कहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सामान्य ज्ञान के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। और वैसे भी किरण सामान्य ज्ञान में जो कंप्यूटर दिया गया है सामान्य ज्ञान, उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग, छोड़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि इस बुक्स को ही पूरा ख़त्म करना है तो इसमें भी नहीं छोड़ेंगे। और इसे पढ़ने की इस बुक्स में जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान दिया गया है उसे पढ़ने से बेहतर है कि आप उसे देखें, पूरा एक A to Z पूरा कंप्लीट किया गया है उसमें। इसमें बात करेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण भी देख लेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क देख लेंगे, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर भी, और कंप्यूटर शब्दावली और कंप्यूटर से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। अब एक बहुत छोटा पार्ट दिया गया है इसमें, इसे आप पढ़ तो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ आपका विस्तार से पढ़ाया गया है, अगर उससे पढ़ लेते हैं आप लोग तो लिखित में अगर क्वेश्चन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव में, दोनों आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। और 23 टेस्ट इसलिए लगवा चुके हैं, कम से कम आपके 1500 से क्वेश्चंस कम नहीं होंगे, क्योंकि आपके कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए आप लोग, लेकिन आना है एंड टाइम कौन ही का, मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे आप लोग उतने ही क्वेश्चंस सही होने की चांस रहेंगे, ठीक है। वैसे कंप्यूटर पता है सबको पढ़ना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि अब उस टाइम हम पहुँच गए उस समय में जहाँ अगर आपको कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आ रहा है तो आप बहुत बुरी स्थिति होगी आपकी, समझ रहे। तो बेहतर है कि आपको पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आप कई बार शॉर्ट फॉर्म भी बात करते हैं, कहीं आप कहीं जा रहे हैं सॉफ्टवेयर डलवाने या हार्डवेयर की दुकान पर, तो सॉफ्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, अगर आपको पता ना हो तो आप बिल बिछिया जाते हैं, मतलब अचंभव में पड़ जाते हैं। इतिहास जानते हैं हम लोग, यांत्रिक कैलकुलेटर का उद्गम दो गणितज्ञों ब्लेज पास्कल और गॉटफ्रीड बेलहम लेवेंटेज के कार्यों में खोजा जा सकता है, लेकिन चार्ल्स जो बेबेज थे ने जॉन नेपियर द्वारा खोजे गए लघु गणक अंकों को समाहित कर सकने वाली कैलकुलेटिंग मशीन को बनाने का विचार किया था। इसलिए जो आपके चार्ल्स बेबेज साहब हैं इन्हें कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चंस एक बार नहीं, हजार बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर आखिर होता क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसका विश्लेषण करता है तथा आउटपुट परिणामों को निश्चित रूप प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। इसे आप लोग उसी तरह से लिख सकते हैं, एक कुकर,
कुकर में आप दाल डालते हैं, पानी डालते हैं, जो भी डालते हैं, और बाद में कुछ टाइम बाद वो पक जाता है और आपके खाने योग्य बन जाता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर भी ऐसा ही, आप आंकड़े देंगे उसे और पूरा सॉल्व करके आपके सामने दे देगा आउटपुट के रूप में कि लीजिए आपके लिए उपयोगी है। या डाटा के भंडार यानी कि स्टोरेज तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। आज से आप लोग कुछ साल पहले देखते थे कि बड़े बड़े रजिस्टर रखे जाते थे ऑफिसों में, बैंक में जाते थे, बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब आपने देखा है कि बहुत जल्दी ख़त्म भी काम भी हो जाता है और कई मतलब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बैंक में और आराम से हो जाता है, इसमें कोई गलती भी नहीं होती है। डाटा हो गया, प्रोसेस हो गया और सूचना, ये आपका कुकर मान लीजिए इसे। ठीक है, आपने इसमें दाल डाली, पकी और ये इस तरह से पक चुकी है, तो इनपुट दिया आपने, इनपुट वही है जो आप लिखते हैं उस पर जो भी देते हैं, प्रोसेस अंदर होता है, उसके बाद आउटपुट आपको मिल जाता है। डाटा डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, एक आपका न्यूमेरिकल डाटा, संख्यात्मक डाटा या अंकों से बना होता है, जिसमें आपका 0, 1, 2 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन, इसमें आप देख सकते हैं। फिर होता है आपका चिन्हात्मक डाटा, इसमें अक्षरों, अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं, पर इनकी तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता। सूचना, इन्फॉर्मेशन, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सूचना प्राप्ति, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाती है। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश, अनुदेश, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को हम लोग अनुदेश कहते हैं। इसका कहने का मतलब सीधा जो आप ऑर्डर देते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ कि आप कंप्यूटर में आप जब तक आपसे डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो कुछ काम भी नहीं करेगा, यानी कि उसमें अपनी सोचने की क्षमता नहीं है, कंप्यूटर में अपने आप से कुछ काम करने की क्षमता नहीं है, आपको आदेश देना पड़ता है, उसके बाद ही वो आउटपुट के रूप में आपको देगा। प्रोग्राम, कंप्यूटर के दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, कंप्यूटर छोटा हो या फिर बड़ा हो, चाहे वह नया हो या पुराना हो, इसके चार प्रमुख भाग होते हैं। इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं, मेमोरी जिसे आप लोग दिमाग भी कहते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, मेमोरी जहाँ आपका सेव किया जाता है, कुछ भी स्टोरेज रखने का काम आता है। इनपुट की अगर हम बात करें तो डाटा, प्रोग्राम, अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिकी युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाती है। चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतों यानी कि 0 या फिर 1 या फिर ऑन और ऑफ को समझ सकता है, अतः सभी इनपुट डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से उसे बाइनरी संकेत में बदलते हैं। इस तरह इनपुट डिवाइस के निम्न कार्य, डाटा अनुदेशों तथा प्रोग्राम को स्वीकार करना, उन्हें बाइनरी कोड में बदलना, बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना। इसमें कुछ आपके इनपुट डिवाइस हैं, इससे क्वेश्चंस आपके पूछ गए कई बार एमपीपीएससी में, तो आपके बड़े इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते थे, इनपुट आपके डिवाइस कौन कौन है, आपको चार दे देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट इनमें से कौन सी डिवाइस है। तो सबसे पहले आप इनपुट डिवाइस को रट लीजिए, चाहे जो करना हो आपको, और इनपुट डिवाइस का मतलब सीधा होता है कि उसे देना, आप कोई निर्देश दे रहे हैं उसे ही इनपुट कह देते हैं, जो आपको प्राप्त हो रहा है उसे आउटपुट कह दीजिए। ठीक है,
इसमें आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर। उसके बाद पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माइक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस में आते हैं। किसमें? इनपुट डिवाइस में आते हैं। आउटपुट यूनिट की बात करें यानी कि आउटपुट डिवाइस, तो यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि जो आप निर्देश दे रहे हैं उसका आपको उपयोगी रूप प्रदान करने के लिए प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे देता है। यह कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के साथ जोड़ता है। किसको? उपयोगकर्ता के साथ। चूँकि कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम बाइनरी संकेतों यानी कि जीरो और वन में होते हैं, अतः उन्हें आउटपुट्स इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। आउटपुट अगर हम लोग डिवाइस की बात करें कार्यों की, तो इसमें सीपीयू से परिणाम प्राप्त करना, प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना और परिणाम के परिवर्ती संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस के कार्य। अगर कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस बता दूं, तो इन्हें भी आप याद रख लीजिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। मॉनिटर हो गया, वीडियो हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। इसमें आपका स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, टैप रीडर हो गया। फिर आता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट भी कहते हैं इसे आप लोग। कंप्यूटर पर जो भी काम किए जाते हैं वह सीपीयू में ही होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं आप। इसका काम किसी व्यक्ति या फिर उपयोगकर्ता द्वारा किए गए आदेशों को समझकर उसका ठीक ठीक पालन करना होता है। जोड़ना घटाना आदि अंकगणितीय क्रियाएं दो संख्याओं की तुलना में करना या फिर किसी विशेष बात की जांच करना आदि इसका काम होता है। ये सभी सबसे महत्वपूर्ण भाग है कंप्यूटर का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसका कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणना करना, जोड़ घटाओ, गुणा भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्य भी, बराबर, बराबर नहीं, कम या फिर अधिक, ये भी संपादित करते हैं। ये भी कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ALU का क्या कार्य है, तो ये अंकगणितीय गणनाएं भी करता है। कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल इकाई का काम करता है हमारे आदेशों को समझकर उसका सही सही पालन करना और कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखना और नियंत्रित करना, इसका काम है। यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। क्या? नाड़ी तंत्र कहलाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी देखने को मिलते हैं। इसके अगर प्रमुख कार्यों की बात करें हम लोग, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना और उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देश को पढ़ना, उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश भी देना, ये सभी इन्हीं के काम हैं। फिर आता है मेमोरी। डाटा और अनिर्देशों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में ही रखा जाता है। प्रोसेस द्वारा प्राप्त अंतरिम और अंतिम परिणामों को भी हम लोग मेमोरी में ही रखते हैं। इसमें आपका सेंट्रल, इस तरह से आप देखिए, इस चित्र में आप समझ सकते हैं। ये आपकी इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट इकाई हो गई। इसके पहले बीच में क्या क्या सुविधाएं हैं उन्हें देखिए। ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और आउटपुट। मेमोरी भी आपकी कई प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी। यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम होती है जबकि गति तीव्र होती है। इसकी स्मृति क्षमता भी तो कम होती है लेकिन इसमें जो गति है ये अधिक होती है, तीव्र होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तत्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को सॉप ऑफ करने पर सूचना इसमें समाप्त हो जाती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है इसमें जो भी सूचना प्राप्त रहती है वो अपने आप समाप्त हो जाती है।
फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या फिर इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। यह मुख्यतः चुंबकीय डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क होता है जिसमें बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। यह आपकी स्थायी मेमोरी है जिसमें विद्युत उपलब्ध ना होने पर भी सूचनाओं का ह्रास नहीं होता है, इसमें सूचनाएं बनी रहती हैं। नेटवर्क संरचना, फिजिकल टोपोलॉजी, ये आपके तार हो गए, ये प्रोटोकॉल हो गए। लीनियर बस, कोएक्सियल ट्विस्टेड पेपर पेयर तार, एथनेल लोकल टॉप, स्टार स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड पेयर, ईथरनेट लिंक, लेकल फाइबर टॉक, स्टार वायर्स, ट्विस्टेड पेयर टोकन रिंग, रिंग ट्री, कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर फाइबर, ईथरनेट। अगर कंप्यूटर के विकास की बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि UPPCS के एक आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर होता है, PCS कराता है। उसमें भी आपका पूछ लिया था कि अभी हाल में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, तो 5वीं पीढ़ी के आ चुके हैं अभी तक। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर उपयोग के आधार पर, फिर आपके कार्य एवं आकार के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें आप देखते हैं हार्डवेयर के आधार पर अगर हम बात करें तो पहली पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी में, यानी कि 5 पीढ़ी अभी तक आ चुकी हैं। अगर आकार और कार्य के आधार पर हम बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अगर हम कार्य पद्धति के आधार पर काम बात करें तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इसमें कंप्यूटर पीढ़ियों की बात करते हैं, ये आपकी पीढ़ी है, वर्ड्स, मुख्य कंपोनेंट्स, मेमोरी एलिमेंट्स, ऑपरेटिंग भाषा सिस्टम और उदाहरण इनके। पहली पीढ़ी ये आपकी 1940 से 55 तक चली, सर्क्यूटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, मेमोरी में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम उपयोग होता था, ऑपरेटिंग भाषा सिस्टम नहीं थी, लोवेस्ट लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज यूज की जाती थी भाषा। इसमें आपकी एनिक देख सकते हैं, ई डेस्क, डेस्क देख सकते हैं, ई डी बैग देख सकते हैं, यूनी बैग भी देख सकते हैं इसमें। ये सभी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे आपके। द्वितीय पीढ़ी के अगर कंप्यूटर की बात करें तो ये 1956 से 63 की बात है। इसमें आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था, 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार भी हुआ। इसमें मैग्नेटिक कोश तथा मैग्नेटिक टेप्स मेमोरी के रूप में, और असेंबली भाषा लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज, ये सभी भाषाएं यूज की जाती थी, जैसे फोरटेन हो गया, कोबोल हो गया। इसमें कंप्यूटर की बात करें तो IBM 700, 1401 और IBM 7030, ये इसके उदाहरण हैं। तीसरी की अगर बात करें तो 1964 से 71 तक चलता है, इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर का उपयोग इसमें किया जाने लगा था, रैम और डिस्क मेमोरी के रूप में उपयोग होने लगी थी। भाषाओं की अगर बात करें तो लिनक्स, एल गोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल, एसक्यूएल, ये सभी उपयोग होने लगी थी। इसमें आपके CDS, CDC 6600, 760 IBM, 360 IBM, 370 कैरी, क्राई फर्स्ट, ये सभी थे इसमें। चौथी पीढ़ी की बात करें तो 1972 से अब तक चल रहा है अभी भी, LSI लार्ज स्केल इंटरग्रेशन, BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटरग्रेशन, सभी प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसमें लगी होती हैं, विंडोज, विंडो SQL, DOS, ओरेकल और लिनक्स, ये सभी भाषाएं उपयोग होती थी। आल PCs में है डेस्कटॉप, कैरी एक्स और मैप MP। 5वीं पीढ़ी की बात करें तो ये डेवलपमेंट के फेज में है अभी, कृत्रिम ज्ञान, रोबोटिक्स तथा नैनो टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग, नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता डालने का प्रयास चल रहा है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों की अगर बात करें की जाए
तो नैनो कंप्यूटर। नैनो ट्यूब से जिसका व्यास 1 नैनोमीटर यानी कि 1×10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है। इसके प्रयोग से अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। क्वांटम कंप्यूटर विद्युत किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 0 और 1 में की स्थिति में गिना भी जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। अभी सफल नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के नियम एवं क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह सॉफ्टवेयर का वह निर्देश जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिए जाते हैं, यही आपके सॉफ्टवेयर है। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है? उसका ईंधन है। हार्डवेयर अगर इंजन है तो जो सॉफ्टवेयर है इसका ईंधन है। सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग प्रकार की बात करें यानी कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भागों में। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो यह प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ताओं के बीच सह संबंध स्थापित करता है या विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य होते हैं कौन कौन से हैं? कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना और कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः ही प्रारंभ करना। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर और संसाधनों का नियंत्रण और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को भी इंगित करना इसका काम है। फिर आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। एक निश्चित और छोटे भौगोलिक क्षेत्र यानी कि 1 किलोमीटर के लगभग आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। या किसी एक ऑफिस, फैक्ट्री या फिर विश्वविद्यालय कैंपस में कुछ क्षेत्र तक ही फैला रहता है। आपने अपने कॉलेज में देखा होगा, विश्वविद्यालय में कैंपस में जो वाईफाई लगा होता था इसी का उदाहरण था। इसका आकार छोटा और डाटा स्थानांतरण की गति तेज और इसमें त्रुटियां कम देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन है। लैन में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए बस टोपोलॉजी तथा एक्सिंगल केबल का प्रयोग करते हैं। इसमें रखरखाव भी आसान होता है। क्या होता है? रखरखाव भी आसान होता है इसका। फिर दूसरा है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र लगभग आपका 100 किलोमीटर त्रिज्या में स्थित कंप्यूटर को नेटवर्क है। इसका उपयोग एक ही शहर में स्थित निजी या फिर सार्वजनिक कंप्यूटर को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर एक आता है आपका सबसे बड़ा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र कई देश, महाद्वीपों या फिर संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है। इसमें कंप्यूटरों को टेलीफोन, प्रकाशीय तंतु या फिर कृत्रिम संचार उपग्रह से जोड़ा जाता है। इसमें आपकी गति कम होती है तथा त्रुटियां भी अधिक देखने को मिलती हैं। इसे लॉग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉग हॉल नेटवर्क। इंटरनेट भी वैन का ही उदाहरण है। जो आपका इंटरनेट है एक इसका वैन का उदाहरण है। इंटरनेट होता क्या है आखिर? ये शब्द आ गया है यहाँ तो इसे भी देख लीजिए। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट दुनिया भर में फैले हुए छोटे बड़े कंप्यूटरों का एक बड़ा जाल होता है जो टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ता है। इसमें मुख्यतः ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, एप
टीपी, ई कॉमर्स आदि सुविधाएं भी उपलब्ध आपको देखने को मिलेंगी। इंटरनेट कंप्यूटरों को जोड़ता है और वर्ल्ड वाइड वेब उससे जुड़े हुए कंप्यूटरों को सूचना वेब पेजों के माध्यम से उपलब्ध भी कराएगा। क्या सूचनाएं? इस कार में इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी ब्राउजर प्रोग्राम की सहायता से कार्य करता है। मॉडेम की स्पीड, गति, जिस गति से आप सूचना टेलीफोन लाइनों के द्वारा भेजेंगे या फिर प्राप्त करेंगे वह भी आपका मॉडेम द्वारा ही निर्धारित होता है। टेलीफोन लाइन, इंटरनेट पर सूचना टेलीफोन लाइन द्वारा ही प्रेषित की जाती है या टेलीफोन लाइनें वैसी ही होती हैं जैसी कि हमारे घरों में प्रयुक्त की जाती हैं, यानी कि हम अपने घर में देखते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूँ। अन्य कनेक्शन, टेलीफोन लाइन के अलावा इंटरनेट पर सूचना आदान प्रदान हेतु अन्य तीव्र गति वाली कनेक्शन का भी उपयोग किया जाता है। इन तीव्र लाइनों का यही काम है कि इससे आपकी टेलीफोन लाइन बाधित नहीं हो। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क डाटा, के डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट है जो टेलीफोन कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? टेलीफोन कंपनियों के द्वारा। केबल मॉडेम, एक केबल मॉडेम के जरिए आप इंटरनेट से वैसे ही जुड़ सकते हैं जैसे केबल के द्वारा आप केबल टीवी नेटवर्क से जुड़ते हैं। यह केबल मॉडेम 3000 kbps की गति से सूचना संप्रेषित कर सकता है। आपका स्थानीय केबल ऑपरेटर यह सुविधा प्रदान कर सकता है। फिर आप देखते हैं एक DSL या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL काफ़ी नाजुक तकनीकों का इस्तेमाल कर कई वाइटों की बड़ी संख्या को टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदत्त ट्विस्टेड पेयर केबल डिजिटल लाइन सर्विस द्वारा प्रदान की जाती है। आगे बात करते हैं हम लोग DSL, ISDN लाइनों के मुकाबले कुछ तेज़ी से ट्रांसफ़र दरों को प्रदान करती है, इसलिए वह थोड़ी महंगी भी होती है। पर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो आपकी इंटरनेट तक पहुंच कुछ पैसे लेकर प्रदान करती है। ऐसे कई सर्विस प्रोवाइडर हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं और लाभ अलग अलग कीमत पर प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स, इसको ई कॉमर्स भी कहते हैं। यह वित्तीय बिजनेस ट्रांजेक्शन का जरिया है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर भी किया जा सकता है। वायरस जानबूझकर लिखा गया प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा को क्षतिग्रस्त कर देता है। आपने देखा होगा आप एंटीवायरस यूज करते हैं इसी के लिए, वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं आप लोग। वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट से जोड़ लेता है। कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता जाता है। कई वायरस काफ़ी समय पश्चात भी डाटा एवं प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकने में सक्षम होते हैं। वायरस को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस, पार्टाइट वायरस। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर का नाम हो गया, निर्माण करने वाली संस्था हो गई फेलो सॉल्वर MK3। राष्ट्रीय बेमानी की प्रयोगशाला बेंगलोर द्वारा तैयार किया गया। पेस, एडवांस न्यूमेरिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स ग्रुप हैदराबाद के द्वारा इसे बनाया गया। टेराफ्लॉप, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। मल्टी माइक्रो, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। मार्क, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। परम, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC, ये पुणे के द्वारा बनाया गया। परम 10000, ये आपका CDEC पुणे के द्वारा बनाया गया। परम अनंत CDEC द्वारा बनाया गया। एका CRL द्वारा बनाया गया। ये आपकी कुछ कंपनी है उनके मुख्यालय हैं, जैसे आपका गूगल, इसका मुख्यालय है आपका कहाँ, माउंटेन व्यू अमेरिका में। याहू सनीवेल अमेरिका। इसेर इंक न्यू ताइपेई ताइवान में। फिलीपींस एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। IBM अरमांक अमेरिका। सोनी मिनाटो जापान। तोशिबा मिनाटो जापान। पैनासोनिक
काडोमा जापान, डेल राउंड रॉक अमेरिका, वालमार्ट अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट रेडमांड अमेरिका, कोडक रोचेस्टर अमेरिका, नोकिया इस्पू फिनलैंड, एप्पल इंक कॉपरटीनो अमेरिका, कैनन इंक ओताकू जापान, इंटेल सेंटा क्लारा अमेरिका, फूजी फिल्म ए टोक्यो जापान, मित्सुबिशी टोक्यो जापान, वोडाफोन यूनाइटेड किंगडम लंदन, एडोब सिस्टम कैलिफोर्निया अमेरिका, सैमसंग सियोल दक्षिण कोरिया, हेवलेट पैकर्ड ए पाली अल्टो अमेरिका, हिटाची चेवड़ा टोक्यो, लेनवो ये आपकी बीजिंग चाइना, कहाँ बीजिंग चाइना चीन। एक आप लोग हमेशा बात याद रखिए कि उसे पढ़ लीजिए, इसे मैं कहता हूँ छोड़ देना बिल्कुल, उसे कंप्यूटर जो पूरा पढ़ाया गया है उसे पढ़ लेना, क्योंकि इतने में से बहुत कम है, ये क्या है बहुत कम है, उसे एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि पूरा कवर हो जाएगा आपका, आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपके कंप्यूटर शब्दावलियाँ दी गई हैं, बेसिक, बेसिक का विस्तार है बिगनर, बिगनर्स आल पर्पस सिंबॉलिक इन स्ट्रक्चरल कोड, यह एक सरल और उपयोगी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है बेसिक। द्विआधारी वाइनरी कंप्यूटर की सभी गणनाओं में प्रयुक्त संख्या प्रणाली जिसमें केवल दो अंक होते हैं जीरो और वन। बिट वाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षरों से बने शब्द जीरो से वन बिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई है, क्या है यह कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई है, यह भी आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है, पूछ लेता है कि कंप्यूटर सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट। वाइट कंप्यूटर क्रियाओं में सामूहिक रूप से भाग लेने वाले प्रा आठ द्विआधारी अंक होते हैं, इस प्रकार आठ बिटों में से बनने वाले अक्षरों को वाइट कहा जाता है। एक किलोबाइट के भी बराबर 1024 वाइट होते हैं और आपके 1,48,576 वाइटों का एक मेगावाट होता है यानी कि 1 MB। कंप्यूटर की स्मृति भंडार को मेगावाट की मेगावाट में ही मापा जाता है। मेमोरी माप कंप्यूटर का मेमोरी बिट में मापा जाता है, किसमें बिट में, यह आपको दी जा रहे हैं बिट। वाइनरी डिजिट जीरो और वन, चार बिट्स एक निब्बल, आठ बिट्स एक वाइट, एक किलोबाइट के भी बराबर या कि 1024 वाइट्स, 10^3, 2^10 वाइट्स। मेगाबाइट ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अधिक बार, मेगाबाइट यानी कि MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB, पेटाबाइट बराबर 1024 TB। अगला उच्चतम माप इसी तरह से ले सकते हैं EB, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, YT, वाइट्स, एक कैरेक्टर AC से 256 न्यूमेरिक 0 से 256, KB पर सेकेंड किलोबाइट प्रति सेकेंड, KBPS किलोबाइट प्रति सेकेंड। नोट हमेशा B आपका बाइट्स के लिए और स्मॉल b आपका बिट के लिए प्रयोग होता है, ये बात हमेशा याद रखिए, जो कैपिटल B है ये बाइट्स के लिए आपका प्रयोग होता है, B है जो केवल ये आपका स्मॉल ए बिट के लिए प्रयोग होता है। चिप ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है, सिलिकॉन की एक पतली चिप जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं, यह वस्तुतः अर्धचालक पदार्थों का वह छोटा सा टुकड़ा है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खुद होता है। सिलिकॉन जैसी किसी अर्धचालक चिप पर बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एकीकृत सर्किट कहलाता है। इसका उपयोग कंप्यूटरों रेडियो टेलीविजन तथा अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। रैम कंप्यूटर की मुख्य स्मृति जिसमें हर स्थान का अलग पता होता है, उस पते का उल्लेख कर उस स्मृति स्थान में संचित विवरण को प्राप्त किया जा सकता है। इस कंप्यूटर स्मृति का उपयोग आंकड़ों या तथा प्रोग्रामों के अल्पकालिक संग्रहण हेतु भी कर सकते हैं।
इसके डाटा को पढ़ा और सुधारा भी जा सकता है। कंप्यूटर वायरस या मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है जो फाइल संक्रामक के नाम से जाना जाता है। ये वायरस एक प्रकार की प्रोग्राम होते हैं जो डाटा और फाइलों को नष्ट कर देते हैं। रोम, इसमें स्थाई रूप से रिकॉर्ड किया गया निर्देश होता है जिसे पढ़ा तो जा सकता है परंतु इसे सुधारा नहीं जा सकता है। मेमोरी, कंप्यूटर के वे साधन जिन पर सूचना एवं प्रोग्राम संचित होते हैं मेमोरी कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रैम और दूसरा रोम। फिर आपका बायोचिप, सिलिकॉन चिप्स पर कंप्यूटर परिपथ के लिए आवश्यक अनेक छोटे छोटे परिपथ बनते हैं आपके, ये बायोचिप। लेकिन इनकी सीमाओं को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अब जैव प्रौद्योगिकी के आधार पर माइक्रोचिप की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि बायोचिप्स, जिसके आधार पर बायो कंप्यूटर की संकल्पना की जा रही है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर शब्द की संक्षिप्त रूप है जिसके द्वारा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। इसकी मदद से कंप्यूटर सूचनाएं टेलीफोन लाइनों द्वारा दूर दूर तक भेजी जा सकती हैं या कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को ध्वनि संकेतों में बदल देता है, उन्हें टेलीफोन लाइनों द्वारा भेज दिया जाता है। बायोचिप, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली जीवित चिप तैयार करने में सफलता प्राप्त की है। इसे बायोनिक चिप कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोनिक चिप, जिसमें जीवित अवयवों के साथ इलेक्ट्रॉनिक अवयव भी मौजूद रहते हैं। चिप में जीवित अवयव के रूप में एक कोशिका लगाई जाती है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य करती है। इसका व्यापारिक नाम रोबोकॉप है, क्या है, रोबोकॉप। फिर आप सुनते हैं ब्लूटूथ, यह एक बेतार संचार अभिकरण है जिसके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों जैसे कंप्यूटर आदि के अंदर एक लघु रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो सकता है। छिद्रित कार्ड, गणना के बाद परिणाम को कंप्यूटर से बाहर लाकर छिद्रित कार्ड पर संचित किया जाता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब विभिन्न संचार प्रौद्योगिकियों के लिए बनाए गए विनिर्देश हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न बेतार या फिर वायरलेस तकनीकों या फिर यथा सेलुलर फोन या फिर तथा रेडियो ट्रांसमीटरों का इंटरनेट, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, न्यूज ग्रुप और इंटरनेट रिले चैट के लिए मानकीकृत तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसमें एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जितने भी आपके टॉपिक हैं इसमें किरण सामान्य ज्ञान में, इससे मैं हज़ार क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इससे मुझे इतना भरोसा हो जाएगा कि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका क्वेश्चंस कोई नहीं छूटने वाला है। 1500 के करीब क्वेश्चंस हर टॉपिक से कंप्लीट करवा देंगे, फिर चाहे भारत का इतिहास हो, फिर चाहे आपका विश्व का इतिहास हो, फिर चाहे भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, फिर चाहे संविधान हो आपका, जो भी हो सबसे कंप्यूटर से भी 1000 के करीब क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। प्रकाशीय संकेत पहचान युक्ति, या युक्ति हर संकेत को चाहे वह अक्षर हो या फिर अंक हो अथवा कोई अन्य निशान या फिर अत्यंत लघु बिंदु से बना हो मानती है, इसे पहचानने का काम करता है। आजकल इस युक्ति का प्रयोग विशेषकर बैंकों में चेक के विवरण को पढ़ने के लिए किया जाता है। OMR, जो आपकी कॉपी चेक होती है, OMR उत्तर पढ़ने वाली युक्ति होती है। आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखा करिएगा, अच्छे से भरा करिएगा, एक बार जो गलती हो जाती है उसे सुधारना नामुमकिन है इसमें। एक बार अगर आप गलत भर देते हैं तो आप गलत ही रहेंगे, फिर किसी भी कंडीशन में आप सुधर नहीं सकते हैं, तो बड़े ध्यान से भरा करिएगा इसको, ठीक है। चित्त प्रदर्श इकाई में अक्षर लिखने के साथ साथ चित्त भी बनाए जाते हैं। इंजीनियरों, कलाकारों, वस्तुकलाविदों आदि की सुविधा के लिए इस इकाई का उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स पेंटर, ये वे पेंटर हैं जिनकी सुई की बारीक 7 पिनों की कतार होती है तथा एक के ऊपर एक लगी होती है। इस पेंटर की गति 40 से 250 संकेत प्रति सेकंड होती है। पर आप देखते हैं इंक जेट प्रिंटर, यह प्रिंटर अपेक्षाकृत नई तकनीक पर आधारित होता है। यह स्याही की छोटी छोटी बूंदों को कागज पर चित्राकर संकेतों को प्रिंट करता है। फिर आप सुनते हैं लेजर प्रिंटर,
लेजर प्रिंटर में लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की प्रिंटर एक मिनट में 30 से 350 पृष्ठ तक छाप सकते हैं। कैश यह मेमोरी का एक हिस्सा है जिसमें उन सूचनाओं को अलग रखा जाता है जिन सूचनाओं की ज़रूरत बार बार हमें पड़ती है। जिन सूचनाओं की ज़रूरत आपको पड़ती है वह आसानी एवं तेज़ी से आपके सामने स्क्रीन पर आ जाती हैं। मेमोरी का बाकी हिस्सा या हार्ड डिस्क को सक्रिय होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। C++ भाषा यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर निर्माता करते हैं। कौन करते हैं? सॉफ्टवेयर निर्माता। PC को क्या करना और यह बताने के लिए इस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। फिर आपका कॉम्प्यूसर्व यह दुनिया के सबसे बड़ा सूचना दाता के रूप में काम करता है। इसके जरिए आप इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं, समाचार मौसम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और दूसरी सेवाएं भी ले सकते हैं। इसमें इस सूचना दाता तक आप मॉडर्न का इस्तेमाल कर पहुंच सकते हैं। GUI इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस सिस्टम में लग जाने पर आप PC को माउस की सहायता से चला सकते हैं। आइकॉन और मेन्यू पर माउस के जरिए क्लिक करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड काम करने लगते हैं। फिर आपका हाइपर टेक्स्ट इसका इस्तेमाल विंडोज CD-ROM इंटरनेट आदि में होता है। हाइपर टेक्स्ट लिखित सामग्री पर का हाईलाइट किया हुआ हिस्सा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज या फिर उस लिखित सामग्री से संबंधित ब्यौरे पर पहुंच जाते हैं। फिर आपका इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क की तरह ही जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ देने की क्षमता होती है। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़ने के बाद इंटरनेट पर मौजूद सभी सूचनाओं को उपभोक्ता इस्तेमाल कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट को संक्षिप्त में नेट या फिर उच्च सूचना उच्च राजमार्ग इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से भी आप लोग जानते हैं। MPEG इसका पूरा नाम है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। यह एक विस्तार कार्ड है जिसका इस्तेमाल PC पर फिल्मों को देखने के लिए किया जाता है। BDO CD एक ऐसा ही कार्ड होता है जिसके जरिए फिल्मों को CD में उतार दिया जाता है। फिर आपका SVGA या फिर इसे BGA कहते हैं। इसका पूरा नाम है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडॉप्टर या किसी सिस्टम की ग्राफिक्स क्षमता को बताता है। BGA में उतनी सघनता या रंगों की संख्या नहीं होती है जितनी SVGA में होती है। वीडियो कार्ड यह हार्डवेयर का एक हिस्सा होता है जो PC के अंदर होता है। इसका काम मॉनिटर में छवियां भेजना होता है। वॉइस मेल इस प्रणाली में PC और एक विशेष ध्वनि का जवाब देने वाली मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑटो एनालाइजर यह एक कंप्यूटर नियंत्रित यंत्र है जिसका संचालन एक कीबोर्ड द्वारा होता है। इससे एक बार में एक ही आकलन किया जा सकता है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर आपके कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप हैं। यहाँ तो बहुत कम दिए गए हैं, आपके वहाँ बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, तो उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लें। अर्पा ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। ये आप लोग पढ़ लें, इसको इनशॉर्ट लेना चाहे कुछ बता देता हूँ मैं, कुछ आप पढ़ते रहें, ठीक है। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद आपका बिट हो गया जैसे बाइनरी डिजिट। CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। CD कॉम्पैक्ट डिस्क इसे मैं यही कह रहा हूँ, इसे छोड़ देना चाहे, आपको नहीं पढ़ना है तो किरण सामान्य ज्ञान से कंप्यूटर मत पढ़ना, कंप्यूटर पूरा वहाँ से पढ़ लेना। अगर उस वहाँ से आप कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, ठीक है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CT कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। 14 फॉर्मूला ट्रांसलेशन।
FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गीगाबाइट GB गीगाबिट, यहाँ बताया था ना कि आपको इसका बी का कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट और स्मॉल बी का मतलब बिट होता है, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, I ये इनपुट आउटपुट है, ठीक है। GDS जावा डेस्कटॉप सिस्टम, KB किलोबाइट, KB किलोबाइट किलोबिट हो गया स्मॉल वाला, और ये LCD लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, OMR ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइज, ये आपका हो गया जैसे PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन्हें भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। SDL सिंपल डायरेक्ट मीडिया लाइन, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, URN यूनिफॉर्म रिसर्च नेम, USB यूनिवर्सल सीरियल वॉइस, ADU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, BOD वीडियो ऑन डिमांड, Wi-Fi वायरलेस फिडेलिटी, WWAN वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, यह आपका ZMA जूम मल्टी कास्ट एड्रेस, यहाँ जाके आपका होता है कंप्यूटर खत्म। इसके बाद आपका बचता है थोड़ा और, इसमें बचता है पारंपरिक सामान्य ज्ञान है जो रहता है जनरल नॉलेज कह दे से एक तरह से, जैसे पुरस्कार सम्मान हो गया, इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, रेमन मैक्समस पुरस्कार, इस तरह की महान महापुरुषों की जयंतियाँ हो गई, प्रमुख व्यक्ति हो गए आपके देश के, उनके बारे में भी हम लोग आगे बात कर लेंगे। और उसके बाद आपका एक चैप्टर और बचता है खेल कूद, इसके बाद आपकी किरण सामान्य ज्ञान पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद बचता है आपके हजार हजार क्वेश्चंस, तो उन्हें भी हम बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे।